फाउंडर uh, तो बन गया अब एक वेबसाइट बनवाऊंगा, एप भी बनवा लूंगा फिर उसे प्रमोट करूंगा। इन्वेस्टर के पास चले जाऊंगा उसके बाद एक बिलियन डॉलर मांगूंगा कह दूंगा कल परसों तक बीस बिलियन दे दूंगा फिर उसके बाद ऐश ही ऐश करूंगा। एक मिनट वेबसाइट किससे बनवाऊंगा? अरे यार। आ, आप हेलो हेलो आप आप वेबसाइट बनवाते हैं यस yes. हाँ हाँ आ, कितने की बी तीस डॉलर एक घंटे का नहीं भाई एक काम करता हूँ खुद ही बना लेता हूँ नो कोड टूल्स हैं ही लेकिन यार नो कोड टूल्स तो नो कोड टूल्स ही होते हैं डिज़ाइन तो उसमें भी लगेगा एक काम करता हूँ प्रोटोटाइप बनवा लेता तो। हूँ अरे तो उसमें भी तो सीखने की ज़रूरत है ए आई से बनवा लूँ tomorrow. अगर आप भी प्रोटोटाइप वेबसाइट्स को मजाक में लेते हो तो मैं आपको बता दूं कैनवा ने अपनी पहली फंडिंग जो थी वो अपने वेबसाइट के वायर फ्रेम से ही उठा ली थी यानी कि सिर्फ अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बता के प्रोटोटाइप यानी वेबसाइट का डेमो एक डमी वेबसाइट जो की बड़े काम की चीज है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और अकेले शुरुआत कर रहे हैं अरे आपको लोगों तक अपनी वेबसाइट या सर्विसेज पहुँचानी है तो क्या बग वाली दे दोगे उन्हें नहीं ना तो वहाँ प्रोटोटाइप की वेबसाइट डेमो काम आता है वही इन्वेस्टर्स भी आपका प्रोटोटाइप से ही आपको फंडिंग्स दे सकते हैं वहाँ प्रोटोटाइप आपकी बहुत मदद करता है लेकिन उसका भी लफड़ा है यार उसको भी सीखना पड़ता है डिजाइन कलर स्कीम फोन अलाइनमेंट मार्जिन ग्रिड्स उर्फी तो इससे बढ़िया हम अपना प्रोटोटाइप ही ए से बनवा लें और उसे फिर वेबसाइट में कन्वर्ट कर दें प्रोटोटाइप एक तो होगा ही ताकि हम अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को दिखा सकें कि प्रोडक्ट असलियत में करता क्या है जिसे कंपनीज बीटा वर्जन भी कहते हैं उसे फिर एनहेंस करके हम अपना स्टेबल वर्जन निकालते हैं वो प्रोटोटाइप से ही बनते हैं अब बताओ ये क्या है शायद आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये एक वेबसाइट की ड्राइंग है एक वायर फ्रेम की ड्राइंग है और अब मैं इसी ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर वो भी रियल अब बताओ ये क्या है ये एक स्क्रीन है और इसे भी मैं अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं अब बताओ ये जो आ रहा है ये क्या है ये यू आर एल है और इसकी मदद से मैं किसी भी वेबसाइट का कलर स्कीम उसके फोन उसके डिजाइन उसके वो सारी चीजें अपनी वेबसाइट में डाल सकता हूँ और हाँ अगर आपको लग रहा है की ये सब चीटिंग और कॉपी हो रहा है तो मैं आपको बता दू की ये प्रोडक्ट बेस्ट ए टूल था दो में ये हीट मैप जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बता रहा है की आपकी सबसे ज्यादा नजरे कहाँ पर है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर और यही चीज मैं वेबसाइट में भी डाल सकता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कस्टमर क्या ज्यादा देख रहा है और ये सारी चीजें इस एक एआई टूल की वजह से हो सकती हैं उसे हम देखते हैं चलते हैं अपने सीधा डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ मित्रों तो ये वेबसाइट बनाई ही गई थी सोलो फाउंडर्स के लिए ताकि वो कम कॉस्ट में अपना एक वेबसाइट का प्रोटोटाइप तैयार करके इन्वेस्टर्स और अपने कस्टमर्स अपने शुरुआती कस्टमर्स के साथ शेयर कर सके जिससे उन्हें एक फीडबैक मिल सकता है और फीडबैक से वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसी का फर्स्ट इम्प्रेशन देती है ये वेबसाइट यू आई जैसे की आपको फ्रंट पेज भी देखने को मिल जाएगा आप अपने स्क्रीन को एडिटेबल डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं यहाँ तक कि अपने ड्रॉइंग्स को भी आप वेबसाइट या एप में कन्वर्ट कर सकते हैं जो की मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे होता है वो चीज और बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएगी आपको टेम्पलेट्स के साथ साथ अभी ऊपर हम चलते हैं ऊपर हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऑप्शन प्रोडक्ट यू आई टेम्पलेट यूजार्ड फॉर बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी एम बी पी डिजाइन करने का ऑप्शन है यानी प्रोटोटाइप डिजाइन करने का ऑप्शन है हम सीधा हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे प्रोडक्ट के अंदर आपको ए आई डिजाइन देखने को मिलेगा ए डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है जहाँ पर ड्राइंग को कन्वर्ट किया जा रहा है ऐप के अंदर तो हम सिंपली यहाँ पर पहले साइन अप लॉग इन कर लेंगे मैं लॉग कर लेता हूँ आप अगर नए हैं तो साइन अप कर लेना ठीक है तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा साइड बार में आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा टेम्पलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप इनके प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रोटोटाइप के अंदर जो की फिग्मा अडोबे एक्सडी भी प्रोवाइड करते हैं आप अपनी टीम के साथ कोलैप कर सकते हैं और ये अपग्रेड जो ऑप्शन है बाद में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी बन सकता है या नहीं तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे प्लस पे क्लिक करेंगे प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत से टेम्प्लेट्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ फ्री और पेड दोनों ही हैं लेकिन हम स्क्रैच से करेंगे स्टार्ट तो हम स्क्रैच पे क्लिक कर देते हैं और क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए अभी टैबलेट और मोबाइल के लिए भी आप ऐप को बना सकते हैं लेकिन अभी हम वेबसाइट की तरफ जाएंगे वेबसाइट को हमने क्लिक कर दिया है और लोड होके ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अगर आपको पता नहीं है कि ए और चैट जीपीटी की मदद से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है कोने में बैठ के बड़ समोसा कचोड़ी खा रहा है वो मस्त उसमें भी ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिले थे जैसे कि शेप्स शेप मिल जाएंगे आपको बहुत से टेक्स्ट के फॉन्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे इमेजेस ऐड कर सकते हैं आप ऐड

और वहाँ स्केचिंग गाइड के बटन पर क्लिक करे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया तो इसलिए मैंने प्लेन कागज लिया था कोई लाइनें नहीं थी उसमें और वायर फ्रेम अगर आप बना रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाइए एक बॉक्स के अंदर क्रिएट कीजिए यहां पर मेरे से एक और गलती हुई मैंने बॉक्स के अंदर क्रिएट नहीं किया था आप बॉक्स के अंदर जरूर क्रिएट करना टेक्स्ट के लिए आप या तो ऐसी लाइन बना सकते हैं या लॉरन इमस का इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस के लिए आप क्रॉस अलग अलग शेप्स में क्रॉस बना सकते हैं तो ये एक पूरा गाइड दे देता है आपको कि आपको स्केच को वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे स्केचेस बनाने हैं लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा और आसान वाला तरीका यूज करेंगे क्योंकि भैया हम अभी एक फाउंडर हैं जिसको टेक्निकलिटीज की बिल्कुल पता नहीं है कुछ नहीं जीरो है तो हम सीधा स्कैन स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे स्कैन स्क्रीनशॉट पे अब एग्जांपल के लिए एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है रेसो हम उसकी वेबसाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रेसो पे और रेसो ने अपना एक सिंपल सा इंटरफेस बनाया हुआ है पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चलती है यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऐप को और कुछ ऊपर आपको मेन्यू बार्स देखने को मिलते हैं और स्क्रोल करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको इंटरफेस शोइंग स्लाइड देखने को मिलेंगे जो आपको ऐप के अंदर नजर आएंगे बस ये एक पेज की वेबसाइट है जो एज एन फाउंडर हमें सिर्फ शो करना है लोगों को कि क्या सर्विसेज है हमारी तो वो हम कर सकते हैं तो हम लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट रेसो का और ये हमने ले लिया एक स्क्रीन शॉट अब हम दूसरे स्क्रीन शॉट क्लिक करते हैं जैसे कि मुझे इस स्क्रीन शॉट पे जाना है यहाँ पर मुझे अपने फीचर्स को पता करना है तो पहले मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ अब हम बढ़ते हैं सीधा अपने यू आई जार्ड की तरफ अब अब हम फिर से स्कैन स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे अपलोड करेंगे अपने स्क्रीनशॉट को जो हमने लिया है अभी हमने ये वाला लिया है पहले अपना फ्रंट पेज को हम बनाएंगे तो ये अपलोड हो रहा है प्रोसेस हो रहा है ठीक है अब हम करते हैं इसे इम्पोर्ट इम्पोर्ट पे ये अपलोड हो रहा है प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा तो हम देखेंगे भैया क्या है ये सीन इसका तो यू आई एस ने मुझे एक स्क्रीनशॉट बना के दिया है इसे इस इमेज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी इमेज के साथ और या अनस्प्लैश से कोई भी इमेज ले सकता हूँ हमारी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है तो हम एक काम करेंगे एक म्यूजिकल बैकग्राउंड को लेंगे ठीक है ना एक म्यूजिकल बैकग्राउंड जो कि हमारे कलर स्कीम के साथ भी मैच करे ये मैच कर रहा है अब इसको हम रिसाइज कर देते हैं थोड़ा सा ये हमने इसको कर दिया थोड़ा सा रिसाइज बहुत बढ़िया ठीक ये हमारा बन गया अब हमें ये जो होम पेज है अब होम पेज पे हम क्या इंटरेक्शन लगा सकते हैं उस होम को एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं या तो वो किसी स्क्रीन पे चले जाए या तो उससे एक लिंक ओपन हो जाए तो ये हम दो ऑप्शन को मिलते हैं हम पहले गो टू स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एनिमेशन आप दे सकते हैं इसको अगर देना चाहे तो और न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी एक डेमो मैं आपको दे रहा हूँ बजे देखिये जैसे ही मैंने इसको गो टू स्क्रीन पे क्लिक किया है तो यहाँ आप देख रहे होंगे की ये एक लाइन जा रही है महीन सी ब्लू कलर की और ये ब्लू कलर की जो लाइन है ना वो सीधा इस स्क्रीन की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो होम बटन पे आप क्लिक करेंगे अगर कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे चला जाएगा इस स्क्रीन पे चला जाएगा और इसी तरीके से प्रोटोटाइपिंग टूल्स काम करते हैं तो हमने अभी एक और स्क्रीन लिया था अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे पहले हम स्कैन करते हैं उसी को और आप याद रखियेगा की मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ आपकी मनपसंद जो भी आपको वेबसाइट डिजाइन डिजाइन करनी हो करना हो प्रोटोटाइप करना वो आपकी जिम्मेदारी है अभी हम इसको इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं प्रोसेस हो रहा है ये तो ये जो दूसरा स्क्रीन है अब हम एक काम करते हैं ये जो प्रीमियम का बटन था इस स्क्रीन पे अब हम इस प्रीमियम के बटन को मैं चाहता हूं कि ये एक स्क्रीन पे चला जाए प्लस का आइकन हम लेंगे हम ले जाएंगे इस स्क्रीन की तरफ अब इसको कनेक्ट कर देंगे स्क्रीन से एनिमेशन अगर आप देना चाहते हैं तो फेड स्लाइड कुछ भी आप दे सकते हैं मैं यहाँ पर नन पे अभी क्लिक करता हूँ लेआउट स्टाइल पे कोई ऐसा है नहीं अब प्रीव्यू देखते हैं हम प्रीव्यू कैसा आता है तो हमने अभी क्लिक किया प्रीव्यू पे अब देखते हैं भाई तो ये हम आ गए हैं प्रीव्यू पे और प्रीव्यू पे हमने जो प्रीमियम का ऑप्शन पे हमने एक फ्लो बनाया था अलग अलग न्यू पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने के साथ। इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट और करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ उसी ऑप्शन पे और गो टू स्क्रीन जो थी हमारी यही थी और एनिमेशन के लिए हम फेड को सिलेक्ट कर लेंगे फेड कैसा होना चाहिए मीडियम स्लो तो हम मीडियम को सिलेक्ट कर लेते हैं मीडियम को सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं अब अब क्या प्रीव्यू आता है प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं अब ये प्रीव्यू पे हम प्रीमियम पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए कैसे फ्लो बनता गया अब हमें होम के लिए भी यार एक बटन लगाना है अब अब वापस तो आ गए पीछे भी तो जाना तो हम वही दूसरे स्क्रीन की तरफ होम पे क्लिक करेंगे अब होम को हम गो टू स्क्रीन पे सिलेक्ट करके इस स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे पहले हम यहाँ पर प्लस के आइकन पे दबाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं स्क्रीन के साथ और एनिमेशन के तौर पे हम फेड ही रहने देते हैं मीडियम साइज ठीक है बढ़िया और इस होम को भी हम इसी साइड पे क्लिक करके रख सकते हैं और ये जो ट्यून टुगेदर वाला जो बटन है इससे हम अपनी सर्विसेज जो देना चाहते हैं जैसे कि रेसो देता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ तो उस सॉफ्टवेयर के लिंक को हम कनेक्ट कर सकते हैं अब एग्जाम्पल के तौर पर इस बटन को मैं सोशल मीडिया की तरफ भी डाइवर्ट कर सकता हूँ इस ऑप्शन से जो ऑप्शन हमें ओपन लिंक का देखने को मिलता था ठीक है खैर हमने अभी इसको कनेक्ट किया है अब प्रिव्यू देखते हैं इसका कैसा आता है तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं प्रीमियम पे तो ये दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ जा रहा है अब होम पे क्लिक करते हैं तो ये होम स्क्रीन पेज वापस चले जाएगा तो ऐसे ही हम एक स्क्रीनशॉट और एआई की मदद से वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं उनके प्रोटोटाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं जो हमें बहुत मदद कर सकता है आगे आने वाले हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए साथ ही में आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं मैजिक टैब के अंदर एक है स्मार्ट थीम्स स्मार्ट थीम्स जैसे की जैसे हम देख रहे हैं की रेसो की जो वेबसाइट की थीम है उसने कौन सा फॉन्ट यूज किया है कौन सा कलर स्कीम का यूज किया है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इस चीज को हम चार तरीके से कर सकते हैं या तो हम खुद ही अपना डिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच या तो किसी इमेज की मदद से उसकी कलर स्कीम ले सकते हैं या यूआरएल की मदद से या आपने जो कोई स्केच बनाया हो उसकी मदद से और एक है वायर फ्रेम मोड वायर फ्रेम मोड आपको इसी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा या आप कोई वायर फ्रेम बनाते हैं कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं कहाँ इमेज आएगी कहाँ मेन्यू आएगा कहाँ टेक्स्ट आएगा उसे भी आप वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है प्राइस की क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है या नहीं है ए का इस्तेमाल करके हम चुटकियों में बना तो सकते हैं वेबसाइट लेकिन क्या ये वर्थ करेगा या नहीं वो हम देखते हैं अभी वैसे एक महीना फ्री लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाता है मंथली देखें तो 15 डॉलर्स का है ये मंथली पैक जो कि काफी है 39 वाला बिजनेस के लिए है तो अगर आप एक सिंगल पेज वेबसाइट या अपने सर्विसेज को वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिफ्टीन डॉलर वाला सही है अगर आप इला प्लान लेते हैं तो आपको बारह डॉलर का पड़ता है वैसे ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है मैं आपको सिर्फ इसकी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रेवेन्यू में और ऐसे ही हम एआई टूल्स लाते रहेंगे जो आपको बिजनेस क्रिएशन और स्टार्टअप क्रिएशन और एंटरप्रिन्योर्स की जर्नी में बहुत मदद करने वाले हैं और लेफ्ट वाली वीडियो देखो हमने जहाँ चैट जीपीटी और ए की मदद से एक वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश की थी और राइट right वाली वीडियो में सोशल मीडिया बिजनेस कैसे बना सकते हैं ए की मदद से मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बी बिजी